वेलकम टू कुकिंग जंक्शन। आज मैं चने की दाल की हलवा यानी बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम चने की दाल लिया है, ऐसे साफ से धो लेंगे और 1 लीटर दूध है इसमें डालकर इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पर इसे 1 घंटा पकाना है हमें। तो यहाँ पे लो फ्लेम पर हमने 1 घंटा पकाया है और चने की दाल बिल्कुल गल चुकी है और दूध भी बिल्कुल सूख चुका है। तो दूध डालकर चने की दाल का हलवा बनाने से काफ़ी टेस्टी यम्मी बनकर तैयार होता है। तो इसे हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और सूखा पीसना है, पानी डालकर नहीं पीसेंगे। तो बिल्कुल सूखा पीस लिया है, अब इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई लेंगे, मोटा पेंदी का कढ़ाई लेंगे और इसमें सारे चने की दाल को डाल देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में थोड़ा घी या तेल लगा लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सूखा इसे भूनना है। इस तरह से भूनने से मेहनत कम लगता है और हलवा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर बराबर से चलाते भून लेंगे और पानी सूख चुका है, ये भुरभुरा सा हो चुका है। तो अभी हमें और भूनना है और इसका कलर बिल्कुल ब्राउन कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर कलर ब्राउन आना शुरू हो गया है, तो अभी इसे हम चेक करेंगे। और चेक करने के लिए यहाँ पे कटोरी में डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका कलर अगर इस तरह का ब्राउन हो चुका है तब हम इसका मतलब कि हमारा दाल गल चुका है। तो अब हम जो है इसे हटा देंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुलने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पे 1 लीटर पानी लेंगे और 400 ग्राम चीनी लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा, जितना मीठा पसंद करते हैं उतना ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने चीनी को बिल्कुल घुल चुका है पानी में, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस चीनी घुलने तक ही पकाना है। तो इस तरह का घुल चुका है चीनी, अब इसमें 1 हरी इलायची भी डाल दीजिएगा पानी में। और यहाँ पर चने की दाल जो भून कर हमने रखी थी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे बराबर से चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पानी को डाल दिया है, चीनी का जो शरबत बनाया था उसे डाल दिया और इसे हम बराबर से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हाई भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम फ्लेम पर इसे बराबर से चलाते हुए भूनेंगे। और इस तरह से पानी सूखना शुरू हो गया है, तब इसमें हरी इलायची पाउडर और कटा हुआ काजू भी डाल सकते हैं। काजू बादाम जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और अब घी डालेंगे, तो यहाँ पर हम 200 ग्राम घी डालेंगे। घी ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा घी डालने से इसे लंबे टाइम तक रह सकता है, यानी 1 सप्ताह 15 दिन तक रह सकता है। तो घी ज़्यादा डालेंगे और इसे भूनते रहेंगे। यहाँ पे घी कम लग रहा है तो थोड़ा घी और डालेंगे हम, ऐसे बराबर से इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। इस तरह से बनाने से मेहनत थोड़ा कम लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो हमारे तरीके से ज़रूर से बनाइए। तो यहाँ पे हम भून रहे हैं, अब भूनते भूनते ये पूरा पानी सूख जाएगा, जब तक हमें भूनना है। और इसे चेक करने के लिए हाथ से हम लगा कर देखेंगे, अगर हमारे हाथ में तेल आ जाएगा तो इसका मतलब कि घी आ जाएगा तो इसका मतलब कि हलवा भून चुका है। तो इस तरह से हमने चेक करके देख लिया है और ये हलवा भून चुका है। अब एक थाली में हम पहले से घी लगा कर रखे हुए थे और इसमें हम सारे हलवा को डाल देंगे। आप चाहें तो एक कटोरी या गिलास से इसे बराबर कर लीजिएगा और उसके ऊपर कटा हुआ काजू, बादाम, किशमिश और नारियल कद्दूकस किया हुआ इसे हम डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा और चाहे तो चांदी का तवक भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट की जगह पे। और इस तरह गिलास से इसे दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से और इसे हम काट लेंगे। तो अभी निशान लगाना है, ठंडा होने के बाद इसे डीप कट कर लेंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही बनाना आसान है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है।